खबर जयपुर से, जहां शाहपुरा के एक लाल ने पुलिस प्रशासन का मान ऊंचा रखते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जो इस काम को अंजाम देने के बाद अरुणाचल सरकार ने इस पुलिस अधिकारी को बहादुरी के अवार्ड से नवाजा भी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी संजय सेन और उनकी टीम ने हथियारों सहित 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी संजय सेन ने बताया कि अरुणाचल के दिबांग घाटी में पुलिस और डकैतों की गैंग में मुठभेड़ के दौरान कुल 13 में से 8 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये गैंग बैंक को लूटने की योजना बना रही थी और इसी के चलते एसपी संजय सेन को इस विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है। मेका तेनाली जो कि हमारे तेजू डांबोक और रोइंग का टी पॉइंट बनता है, वहां पर हमने नाका सेटअप किया। थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद, हमने नोटिस किया कि एक ऑल्टो कार और 3 मोटरसाइकिल सवार बहुत तेजी से नाका की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारे पूरा सिग्नल देने के बावजूद, हमारे इशारा करने के बावजूद, रोके जाने के बावजूद भी उसे नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बैरिकेड तोड़ते हुए 2 दिशा में वो लोग आगे बढ़े। ऑल्टो कार नोटिस किया हमने कि वो शांतिपुर की तरफ बढ़ी है और 3 मोटरसाइकिल सवार डांबुक की तरफ बढ़े हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर मिली के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई शांतिपुर की तरफ। दूसरी टीम में मेरे साथ डीएसपी और सब इंस्पेक्टर राजू तांग, सब इंस्पेक्टर सुशांत झा और हमारी पूरी टीम उन्हें चेज करना शुरू।